स्वागत करता हूँ आप सबका माई कार इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ विशाल, आप देख रहे हैं माई कार इंडिया की एक और नई वीडियो। और गाइस, ये है एक महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की एक फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो आप उस वीडियो की पार्ट टू को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने वहाँ पे लगभग 10 गाड़ियाँ कवर की थी, और इस वीडियो में भी हम लगभग 10 से 15 गाड़ियाँ कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे साथ में है मैम, और मैम को तो आप जानते ही हो। मैम महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पे आपको गाड़ियों की डिटेल प्रोवाइड करती हैं और आपको फैसिलिटीज़ देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो मैम आज हमारे साथ में डिटेल्स देने वाली हैं। तो मैम पहले तो एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय बोल दो। हाय। और थोड़ा फैसिलिटीज़ बता दो, क्योंकि जो नए व्यूअर्स होंगे उनको महिंद्रा फैसिलिटीज़ में मैं बताती हूँ कि लोन यहाँ से हो जाएगा। 2016 की गाड़ी होगी, 15 अप होगी, उस पर 2 साल की वारंटी आएगी, रोड साइड असिस्टेंट इंक्लूड रहेगा, 4 साल की वारंटी रहेगी, इंजन गियर बॉक्स ऐसी की, उसको फ्री ऑफ चार्ज है, रोड साइड असिस्टेंट रहेगा, क्या आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो बंदे हाजिर हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज है, सर्विस का कोई चार्ज नहीं है, लेबर चार्ज नहीं है, शायद मटेरियल चार्ज लग सकता है तो उसका पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा, शायद श्योर नहीं, लोन हो जाएगी, ये सब कुछ है इसमें। तो 2016 के ऊपर ये गाड़ियों पे टू इयर्स का वारंटी है, 2012 के बाद की गाड़ियों पे 1 ईयर्स की वारंटी है। तो ये हो गई फैसिलिटी। और आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो तो एक स्मार्ट वॉच है जो पहले भी थी। तो भाई ये हो गई सारी फैसिलिटीज की बात। और हमारे साथ में ब्रियो है मैम। ब्रियो बहुत ही होंडा की बहुत ही बढ़िया कार आती है, उसको लेडीज़ को ज़्यादा पसंद आती है, लुक वाइज जेंट्स भी चलाते हैं लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा पसंद आती है। 2015 की कार है, इस पर शायद 2015 की है इसलिए इस पर शायद हम 2 साल की वारंटी दे सकते हैं, श्योर नहीं बोल सकती, लेकिन इस पर शायद 2 साल की वारंटी हो जाएगी। और ये जेन्यून चली हुई है, 64,000 इसकी प्राइस है, 4,51,000 पेट्रोल में। पेट्रोल में तो 4,51,000 रुपये इस पेट्रोल ब्रियो की कीमत है, और भी ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, हो जाए। तो इसी के बाजू में एक अमेज बहुत ही चलती है, ये भी होंडा की कार है, बहुत ही चलती है। इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है, 2017 की है, 2 साल की वारंटी और 55,000 जेन्यून, और प्राइस 5,75,000। ये डीजल है जी, डीजल है। तो एवरेज कितना निकाल देती है मैम ये? ये आप सिटी का तो गिनो ही मत, सिटी में तो हमको रुक रुक के चलना पड़ता है, अगर हम हाईवे पे निकलते हैं तो 18 से 20 की इसके एवरेज हो जाए। तो 18 से 20 की ये हाईवे पे दे देगी एवरेज, और बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही बढ़िया कार, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। और नेक्स्ट अपने पास आ गई है वैगनार। ये वैगनार मॉडल लो है, 2010 का है, लेकिन ये मॉडल उससे ऊंचा है, जो पहले 2009 के बाद जो टॉप मॉडल आया था ये वो है। तो बहुत ही बढ़िया कार है, और इसकी प्राइस सिर्फ 2,25,000 जी। कलर देखिए आप, गाड़ी की कंडीशन देखिए, उसमें भी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, कोई भी सामान या फैमिली होगा वो भी ले लेगा। तो इस टाइम पे बात की जाए ना, तो भाई टॉप सेलिंग कार में नंबर 1 पे वैगनार ही है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई 2,25,000 2,25,000 वो भी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, इस पर भी लोन हो जाएगा, इस पर भी लोन हो जाएगा। तो ये देख लो, इस पर भी आपको लोन हो जाएगा, और 2,25,000 बोलने को बस उसमें नेगोशिएबल है। और तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी आ जाती है मोबिलियो होंडा की, और कलर तो भाई देखो, आप भी देखो बहुत ही बढ़िया कलर, अंदर का इंटीरियर वाह क्या कलर है, जैसे कि फेवरेट में हो गई है। 2014 की है और 7 सीटर है। 7 सीटर जी। चली कितना है मैम ये? ये चली है 50 50 जी। डीजल पेट्रोल? डीजल में। ओनर? फर्स्ट ओनर। तो जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग फर्स्ट ओनर ही है जी। सेकंड ओनर में भी? सेकंड ओनर होगी थोड़ी बहुत, ज्यादा फर्स्ट ओनर ही है। तो ज्यादा कर जो वो भी सेकंड ओनर जो होगी वो गाड़ी कंडीशन ऐसी होगी तभी यहां पे है। तो भाई गाड़ी कंडीशन अच्छी होगी तभी यहां पे खड़ी है, नहीं तो अच्छी नहीं होगी तो गाड़ी यहां पे खड़ी नहीं मिलेगी। सेकंड ओनर होगा या फर्स्ट ओनर होगा तो रखते ही नहीं है, बट गाड़ी पे आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 2014 की है, इस पे 1 साल की वारंटी आएगी, लेकिन कार बहुत सेक्सी टाइप है।
तो कार बहुत ही अच्छी है और प्राइस क्या होने वाला है मैम इसका? 575। तो 575,000 रुपये प्राइस है और फर्स्ट ओनर में गाड़ी है जी, डीजल में सेवन सीटर और तो, वो भी मोबिलियो। हाँ, इसमें तो, भी थोड़ा बहुत रेट, उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल। तो इसी के साथ में भाई, एक सेवन सीटर के साथ में एक और सेवन सीटर अर्टिगा सबके फेवरेट मारुति की, डीजल में वीडीआई जी। चलिए कितना है ये? 65,000 जी। 2016 ओनर, फर्स्ट ओनर आस्किंग 690,000। तो 690,000 में 575 मोबिलियो, 690 में अर्टिगा, डिमांडिंग कार और वाइट में, जो कि इंडिया में ज़्यादा चलती है। तो ये हो गई अपनी 690,000। तो इसी के साथ में नेक्स्ट गाड़ी और हाँ आइए ना, सी आर वी ऑटो में है ये। ऑटो में जी, ये 2013 की है, 1 ईयर्स की वारंटी आएगी, इंजन गियर बॉक्स ऐसी की, और इसकी प्राइस है 875। इसमें भी रेट हो जाएगा 875,000, इसमें भी रेट हो जाएगा पेट्रोल हाँ, में हाँ ऑटो में। हाँ, चली कितना में हमें ये चली है? 98,000 जी। तो 98,000 चली, बाकी फीचर्स लोडेड गाड़ी है ये, तो फीचर्स लोडेड गाड़ी है। और नई कितने की आती है मैम ये? नई की इसकी डिमांड शायद 20-22 तक की होगी, उससे भी ज़्यादा है लगभग, ज़्यादा होगी तो लगभग समझ लो 25 के लगभग इस सीआरवी की कीमत रहती है। और उस टाइम की बात, उस टाइम की बात है। और अभी तो लगभग 30 पहुंच चुकी है। तो ये हो गई भाई सीआरवी की कीमत 875,000 रुपये है, पेट्रोल में है और गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो थोड़ा बहुत मैम पेंट कोई पार्ट रहता है गाड़ी पे? थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हमारे वहाँ पे सिस्टम है कि 118 पॉइंट चेक करते हैं, उसको कार को सर्टिफाइड करते हैं, इसको किलोमीटर हम लोग जेन्यून रखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा इसका 98 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है, ज़रूरी नहीं है कि सबका किलोमीटर चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है वारंटी देने में। अगर कार में कोई भी ऐसा खर्च आता है तो वो कंपनी पे करती है, तो फिर किलोमीटर घुमाने का कोई मतलब नहीं है। और एक्सीडेंटल गाड़ियाँ यहाँ पे रहती ना? नॉन एक्सीडेंट। तो नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी मिलेगी, वो भी गारंटी के साथ। अगर किसी ने एक्सीडेंट साबित कर दिया तो गाड़ी हम रिटर्न ले लेंगे, उसको पैसा डबल वापस दे देंगे। तो ये भी है भाई, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियों में ही डील होती है, गाड़ियाँ फर्स्ट और सेकंड ओनर में ही मिलेगी जी। गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी तभी सेकंड ओनर खड़ी रहेगी यहाँ पे, उसमें भी 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। स्कॉर्पियो गांव जाने के लिए बहुत ही डिमांड है इसकी, जितने भी आते उतने गांव से ही आते हैं कि गांव के लिए स्कॉर्पियो चाहिए, क्योंकि किसी किसी के गाँव में स्कॉर्पियो की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने सुना है, अभी तक का मेरा नॉलेज है कि जो भी आता है बोलते कि मेरे को यहाँ के लिए नहीं, गाँव के लिए चाहिए। तो जो भी गांव से कॉल करेगा इसके लिए ज़रूर कॉल करना। तो गाइस ये गाड़ी ऐसी है ना कि रोड पे चलती है तो लोग आप ऑटोमेटिक ही आपको रास्ता दे देंगे। तो ये गाड़ी ऐसी है, और ब्लैक कलर तो भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्लैक कलर होगा वो ज़रूर लेके जाएगा ये गाड़ी। प्राइस क्या आने वाली है? 2014 की है, प्राइस इसके 511 है, थोड़ा बहुत रेट हो जाएगा, 70,000 के आसपास चली हुई है। ओनर? फर्स्ट ओनर में। तो इसमें 1 साल की वारंटी मिलेगी, 2014 है इसलिए, और 70,000 लगभग चली हुई है। ये देखो इनोवा 2013 की है और 85,000 चली हुई है, इसमें भी आपको 1 ईयर्स की वारंटी आएगी और 625 इसका प्राइस है। फर्स्ट ओनर हाँ, और गाड़ी शोरूम कंडीशन, कोई खर्च नहीं, 85. कोई काम नहीं। हाँ 85 चली हुई है डीजल में टोयोटा इनोवा, और 625,000 रुपये आस्किंग है। बाकी तो इनोवा के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपको बहुत ही मस्त मिलती है और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। लोन सारी गाड़ी पे अवेलेबल। तो अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई हैं सारी गाड़ियों पे लोन अवेलेबल है। और आपको एक बात दिखा दूँ तो देखो गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी खड़ी हुई है, तो ये देख लो, ये सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिस किसी की भी डिटेल चाहिए होगी
तो भाई व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप गाड़ी अगर देखना चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी वीडियो के थ्रू अगर कहीं पे बुकिंग करना चाहते हो तो मैम से कॉन्टैक्ट कर लेना, आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। गाड़ी अगर पसंद आ रही है तो आप ले कर जाओ टेस्ट ड्राइव लेके, और गाड़ी पसंद नहीं आ रही है तो बुकिंग अमाउंट जो रहेगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गई भाई आज की गाड़ी की डिटेल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना, और गाड़ी अगर लेनी होगी तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में कॉन्टैक्ट करना। और बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, ट्रस्टेड है, सर्टिफाइड है, और जो भी काम है जेन्युइन काम है। तो बस इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस, क्योंकि वीडियोस ऐसी आती रहेंगी।